नमस्कार, मैं आपके साथ कामराज सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। चोरों ने मोक्षधाम को भी नहीं छोड़ा, दान पेटी पर किया हाथ साफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोरों ने मोक्षधाम को भी नहीं छोड़ा। इन दिनों महानगर में चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं और दान पेटी से हजारों रुपये की नकदी साफ कर दी। मोक्षधाम के मैनेजर संजय शर्मा ने बताया कि विगत दिनों चोर शमशान घाट में घुस आए और उन्होंने ऊपर बन रही इमारत में एसी के तारों को काटकर चोरी कर लिया। उसके बाद वह धाम में लगी दान पेटी के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी साफ कर दी। चोरों ने शिवाजी के मंदिर में को भी नहीं छोड़ा और उसमें से भी रुपए निकाल लिए। मेरा कहना है कि शमशान घाट में यह दूसरी बार चोरी हुई है। इसकी जानकारी मैनेजर द्वारा पुलिस को दे दी गई है। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लोकल शेड मोक्षधाम संजय मैनेजर। जी मैनेजर साहब, ये कौन सी चोरी हुई, क्या क्या सर? ऐसा था कि जब मैं कल अपने ऑफिस पर आया था तो ऑफिस में आने के बाद में यहाँ पे 10वें हॉल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं पत्थर के और पीओपी वाले, वो मेरे ऑफिस में एकदम भाग के आए। भाग के आने के बाद उन्होंने बताया कि मुंशी जी चोरी हो गई। मैं किस चीज़ की हो गई? जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर वायरिंग वगैरह सब एसी के पाइप वगैरह सब कट हुए थे, जिसकी वजह से जो है मैंने जब झाँक कर देखा खिड़की के पास से, तो खिड़की के पीछे सारे वायरिंग की जो है वो वायरिंग जो ऊपर वाली कॉपर की तार की जो रबड़ होती है सब पड़ी हुई थी। साइड में देखा सीढ़ी थी, उसके बाद यहाँ पे पीओपी वालों के भी आपके जो है पीओपी वाले के कपड़े वगैरह सब नीचे फैले हुए थे। और चोरों ने इसमें दूसरी बार घटना घटाने की कोशिश कर दी है और दो बार चोरी हो चुकी है। एक बार किस जगह ये चोरी हुई है, क्या चीज़ कहलाई जाती है? मोक्षधाम में 10वें हॉल का नया हॉल बनना है, 10वें हॉल, जिसमें कि बैठने की सुविधा लेडीज़ों की, जेंट्स की, हर प्रकार के हर व्यक्ति के लिए सुविधा के यहाँ पे उपयोग किए जा रहे हैं। मगर चोर जो है यहाँ पे हर बार आकर यहाँ पे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हुए चले आ रहे हैं। कितने की चोरी का अनुमान है? अनुमान तो सर मैं बता नहीं सकता, मगर एसी की जितनी भी कॉपर की तारें हैं यहाँ पे कॉपर की सारी तारें गायब हो चुकी हैं। पुलिस को सूचना दी आपने? मैंने 112 पे कल सूचना दी थी। वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन में आज या कल दे आऊँगा, जिससे कि मुझे उन पर कार्रवाई करवा सकूँ। कौन सा थाना लगता है ये? थाना मझोला। ठीक।